अविनाश जाधव जब से आया था कि किसी भी तरीके से इधर कुछ थोड़म ताड़ी करी जाए। सीढ़ी का इनको ये पता नहीं कि ये कितने साल पुरानी है। 10 सीढ़ी बोल के 100 सीढ़ी तोड़ दी है। जो कायदे से है कायदे से किया है। इनके पास कोई पुरावा नहीं है, इतिहास ही नहीं जानते। ये रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पे। ये वातावरण ये खराब कर रहे, देख लो आप। तो मुमरा के अंदर हम क्या समझे इसको, इनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। इन्होंने यार ऑफिसर समझा के चले गए, ये अधिकारी दादागिरी कर रहे हैं। सारे अवैध निर्माण होते हैं उसमें तो कार्रवाई नहीं हो रही। चलो हो गया। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टैक्स। मुमरा बाईपास पर आज वन विभाग की तरफ से पहलवान शाह बाबा की दरगाह पर जाने वाली सीढ़ी पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया था, मगर जैसे ही लोगों को कार्रवाई करने की जानकारी लगी और वहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, महिलाएं और पुरुष मुमरा बाईपास पर रास्ता जाम कर सड़क पर बैठकर आंदोलन करने लगे और यहां काफ़ी हंगामा भी हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज करने की चेतावनी जब दी तब जाकर कहीं ना कहीं लोग शांत हुए। वन विभाग के अधिकारी अनिल भामरे ने बताया है कि फॉरेस्ट की जमीन पर सीढ़ी बनाई गई थी, इसलिए इसे कार्रवाई करके तोड़ा गया है। आपको बता दें कि सिर्फ पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर करीब 30 से 35 सीढ़ी के टप्पे बनाए गए थे जो तोड़ा गया है। वहीं ट्रस्ट के वली खान ने बताया है कि दरगाह पर जाने के लिए ऊपरी हिस्से पर सीढ़ी बनाई गई थी, जो पुरानी सीढ़ी थी वो टूट गया था, उसे दोबारा बनाने का काम किया गया था, लेकिन जैसे ही इस सीढ़ी को बनाकर काम पूरा किया गया उसके बाद वन विभाग के अधिकारी आज वहां पहुंचे और इसे कार्रवाई करके तोड़ दिया गया। जबकि लोगों को आने जाने की सहूलियत होगी इस हिसाब से इस सीढ़ी को बनाया गया था, मगर आज वन विभाग ने कार्रवाई कर इस सीढ़ी को तोड़ दिया और यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ। आपको बता दें कि दरगाह के ट्रस्टी वली खान और वन विभाग के रेंजर अनिल भामरे ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से आज कार्रवाई की गई है, दरगाह के पास जाने वाली जो सीढ़ी बनाई जा रही थी उसे तोड़ा गया है, क्या बताएंगे? देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी अभी कामले साहब अधिकारी आए हमारे फॉरेस्ट ऑफिस के हिसाब से, ये सीढ़ी का इनको ये पता नहीं कि ये कितने साल पुरानी है ना। इनको हमने कुछ सवाल किए कि साहब ये दरगाह के बारे में आप क्या जानते हो, इनका इतिहास आपको कुछ पता है? तो इन्होंने कहा मुझे वर्बली, हमें हमारा जो फॉरेस्ट के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट में सीढ़ी है तो हमने तोड़ा है। मतलब सर ये अभी का नहीं है, और जो सीढ़ी अभी जो इन्होंने तोड़े 10 सीढ़ी बोल के 100 सीढ़ी तोड़ दिए, समझे ना, और नीचे हमको रोका गया, हमने रिक्वेस्ट की हमको जाने नहीं दिया गया, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने 10 बोल के 100 तोड़े, समझे, और बोले नया है ये, जबकि नया नहीं था, इनके पास कोई पुरावा नहीं है। और देश आपने ये साहब ने जो भी आपको कामले साहब ने जो आपको जानकारी दी ये इनके इल्म में नहीं है, क्योंकि अभी हमने भी इनको पूछा तो इनको नहीं पता ये बात कि कभी का है क्या है, इतिहास ही नहीं जानते ये। अरे इसी तरीके की कार्रवाई अगर होती रहेंगी तो मुमरा के अंदर हम क्या समझे इसको, ये वन साइडेड। पहले तो नोटिस तो मिलना चाहिए ना। इन्होंने ये कहते हुए नोटिस को टाल दिया कि नोटिस हमको सरकारी ज़मीन पे देने की आवश्यकता नहीं है। आज फॉरेस्ट के अंदर झाड़ काटे गए भाई, कई हम इनको लैंडमार्क बता रहे लेकिन ये लोग जैसे बोलते ना इनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। इन्होंने अपना अधिकार का गलत इस्तेमाल करके इन्होंने ये सब, अभी देखो अभी मुझे कोई चीज़ की कार्रवाई करना है। अविनाश जाधव जब से आया था, जब से इनका मंशा ये बना हुआ था कि किसी भी तरीके से इधर कुछ थोड़म ताड़ी करी जाए, जब से इनको ये पकड़ नहीं मिल रही, क्योंकि हम लोग हर डिपार्टमेंट में हर जगह पत्र व्यवहार हमने किया है, आज ये बिना बोले, इनको इन्हें समझ में यही था ना कि भाई बिना बोले जाएंगे तो कुछ कर सकते, इन्होंने बिना बोले आकर देखिए, ये देखो आप दादागिरी देख सकते हैं। कार्रवाई होने के बाद भी ये मुमरा पॉलिटिशियन के अधिकारी कौन है ये रोक रहे, ये वातावरण ये खराब कर रहे, देख लो आप, ये 4 पुलिस ऑफिसर देखिए ट्रस्टियों को जाने नहीं दे रहे। अब इसके आगे आप आगे आ सकते हैं, आइए देखिए, एक मिनट हो, देखो ये सब अधिकारी है, ये लोग फॉरेस्ट की कार्रवाई होने के बावजूद भी अब ये लोग दादागिरी कर रहे, यानी सीनियर ऑफिसर समझा के चले गए, ये अधिकारी दादागिरी कर रहे, अब इसका क्या समझा जाए। मेरी मुख्यमंत्री साहब से, मेरी मुख्यमंत्री आइए देखिए आप, एक मिनट आप देख सकते हैं किस तरीके से रोका जा रहा है, हमको तो देखना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट, कार्रवाई आप अभी कौन से अधिकार से आप रोक रहे हो, जब कार्रवाई हो गई ना, ये आप ऐसा आप लोग ऐसा मत करिए, हमने कॉपरेट किया है, हमने कॉपरेट किया है। राठौड़ साहब आप ऐसा मत करो, ये जो आप जो कर रहे हो ना ये कानून को नहीं सौंपता है।
नहीं अभी रोक रहे थे मैडम, हम नीचे से देखे 5 मिनट रुपए। ठीक है ओके, देखिए आप देख सकते हैं फॉरेस्ट की जो डिपार्टमेंट की कार्रवाई वगैरह जो है ये गलत तरीके से। सर क्या कार्रवाई आज की गई है यहाँ पर, क्या हुआ फॉरेस्ट विभाग से क्या कार्रवाई? ये रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पे, रिजर्व फॉरेस्ट में जो नया एक फोन आ रहा है चले। आप कौन से कहाँ से हो? मीडिया से, सब लोग मीडिया से, सारे मीडिया से। सर आप लोग पहलवान शाह दूल्हे सरकार आए थे क्या? देखो आप जवाब मत पूछिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो मैं बताता हूँ, आप जवाब मतलब प्रश्न मत पूछिए, मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे एक अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण थोड़ा सा था, वो निष्कासित किया है, बेकायदेशीर था। रिजर्व फॉरेस्ट में अतिक्रमण करना बेकायदेशीर होता है। अतिक्रमण में क्या था, सीढ़ी थी या कुछ बांध काम किया गया था, क्या था? जो भी छोटा सा नया सीढ़ी का बांध काम था वो नोटिस सीढ़ी क्या नोटिस, ये जो भी कार्रवाई हुआ ना कायदेशीर हुआ है, इसमें आप ये मत पूछिए क्या किया क्या नहीं किया, ये कायदेशीर कार्रवाई हुआ। देखो रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी अतिक्रमण निकालने के लिए नोटिस का जरूरत नहीं है, जो नया बांधकाम होता है उसके लिए कोई प्रोसीजर एक्चुअली है नहीं, जो कायदेशीर है कायदेशीर किया है। फॉरेस्ट की जगह में तो कई सारे अवैध निर्माण होते हैं, उस पर तो कार्रवाई नहीं हो रही। चलो हो गया, कार्रवाई।